हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू फुटबॉल चैम्बर। कल मैच था यूनाइटेड वर्सेस लूटन टाउन का। यूनाइटेड 2-1 से मैच जीत गई, लेकिन यूनाइटेड फैंस जानते हैं, जिसने मैच देखा होगा वो जानता है कि यूनाइटेड एकदम बेकार, एकदम बेकार, 1% नहीं अच्छा खेली। जो जैसे कि जो रिलीगेशन टीमें मैचेस खेलती हैं, वैसे कल यूनाइटेड वर्सेस लूटन का मैच चल रहा था। सिर्फ लॉन्ग बॉल, खाली लॉन्ग बॉल पे खेल रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन का प्ले नहीं, चार पासेस अपने में कर रहे हैं, बॉल लूज हो जा रही है, अपोजिट काउंटर अटैक कर रहा है, काउंटर अटैक का बॉल इधर उधर से निकाल के लॉन्ग बॉल में फाइनल थर्ड में पहुंच रहे हैं, तो वहां पे पोजीशन लूज कर दे रहे हैं या शॉट मिस हो जा रहा है, स्कोर तो हो ही नहीं रहा है। पहला जो दो गोल आया, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं क्रिएट किया था। पहली बात, यूनाइटेड ने कुछ ऐसा खास नहीं क्रिएट किया था। पहला गोल में एरर था उनके डिफेंडर का, वो बॉल क्लियर नहीं कर पाया, जज नहीं कर पाया, हॉयलैंड का रन, हॉयलैंड ने वहाँ प्रेस किया था और हॉयलैंड ने उस एरर पे कैपिटलाइज किया। दूसरा गोल आउटसाइड द बॉक्स, गर्नाचो ने इसी तरह शॉट लिया और उस शॉट का डिफ्लेक्शन लगा हॉयलैंड से और दूसरा गोल लिया। कोई खासा क्रिएट नहीं, कुछ क्रिएट नहीं। कुछ मैं स्टैट्स शेयर करूंगा आपके साथ यूनाइटेड वर्सेस लूटन टाउन के गेम के, ध्यान से आप सुनिएगा उसको। एक्सपेक्टेड गोल जो है यूनाइटेड का वो 3 था इस मैच में, लेकिन उन्होंने दो दो सिर्फ स्कोर किए। एटलीस्ट आराम से मैनचेस्टर यूनाइटेड 4 से 5 गोल स्कोर करके ये मैच वहीं ख़त्म कर सकती थी, लेकिन नहीं, यूनाइटेड की यही सबसे बड़ी गलती है। यूनाइटेड जो है अपने चांसेस को बरी नहीं करती है, लेकिन हॉयलैंड ने अपना काम 2 गोल से कर दिया। अगर हॉयलैंड नहीं रहता तो मेरे ख्याल से वो कैपिटलाइज भी उन चांसेस पे जो है ये लोग नहीं कर पाते। पोजेशन सुनिएगा आप, यूनाइटेड की पोजेशन थी पूरे मैच में 41% और लूटन की वहीं पोजेशन थी 59%। सो आप समझ लीजिए, एक रेलीगेशन से जो मतलब एक जो आई है अभी प्रमोट होके टीम, वो आपसे बेटर फुटबॉल खेल रही है, वो बिना लॉन्ग बॉल के खेल रही है, वो पोजीशन रख के आपके सामने खेल रही है और आपका गेम प्ले पता नहीं क्या है। बिग चांस क्रिएटेड, यूनाइटेड ने 4 बिग चांसेस क्रिएट किए थे, जिसमें से उन्होंने बिग चांसेस में जो है 3 चांसेस तुरंत मिस कर दिए, एक सिर्फ हुआ। और वहीं पर लूटन ने एक सिर्फ चांस क्रिएट किया और उन्होंने उस पर गोल स्कोर कर दिया। पासेस अगर आप देखेंगे, ये हमारी यूनाइटेड की टीम है जो कि टॉप कंटेंडर्स, जो टॉप की क्लासिक जो टीम से कहलाती हैं उसके में है। आप सुनिएगा पासेस इनकी, यूनाइटेड की पासेस है सिर्फ 391 पासेस इन दिस मैच, जबकि लूटन के पासेस 528 है। कैन यू इमेजिन द डिफरेंस। एक्यूरेट पासेस की अगर परसेंटेज देखेंगे आप, 78% सिर्फ जो है पासिंग एक्यूरेसी है यहाँ पे यूनाइटेड का, उसी तरफ लूटन का जो एक्यूरेसी है वो 84% है। तो आप सोच रहे हैं कितना खराब हम खेल के आए हैं मैच। ड्यूएल भी हम हारे, एरियल भी हारे, 65-65 ड्यूएल वॉन उन्होंने किए, हमने सिर्फ 40 किए। एरियल वॉन उन्होंने 13 किए, हम लोगों ने 8 किए। और जो लीडर्स हैं टीम के, स्पेशली ब्रूनो, कैसमीरो, मैगवायर, ये 3 के इतनी बेकार परफॉर्मेंस इन तीनों ने, मुझे नहीं पता था आज कौन सा मैगवायर खेल रहा था, इतने एरर्स। ब्रूनो कैशमीरो का एकदम बेकार परफॉर्मेंस, समझ लिया। ये 3-4 लीडर, वरान भी ले लीजिए, ये 4 लीडर है हमारे पास। उसके बाद भी हमारा सबसे जो अच्छा प्लेयर मैच का निकल के आ रहा है वो कोबी मेनो निकल के आ रहा है। बात करते हैं लूक शॉ पे। लूक शॉ को जब इंजरी थी, जब वो पूरे 100% फिट नहीं थे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों टेन हैग ने लूक शॉ को स्टार्ट किया। 45 मिनट आपने लूक शॉ को वहाँ पे वो किया, उसके बाद फिर हम लिंडलॉफ को लेके, हम जानते हैं लिंडलॉफ कितना वर्नरेबल है उन सब पोजीशंस पे, उन्हें बिल्कुल नहीं खेलने आता है। और गर्नाचो के ऊपर बात करें, गर्नाचो को हमेशा हमने प्रोटेक्टिव कवर में रखा है, लेकिन गर्नाचो का आज मैच इतना बेकार था। 3-4 डिलीवरी रशफोर्ड ने सीधे गर्नाचो के पैर पे दी थी। गर्नाचो 1-on-1 मिस करके आ रहे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस 1-on-1 मिस करके आ रहे हैं, तो उसमें किसकी हम गलती देंगे। पॉजिटिव्स गेम के कुछ नहीं, बस एक हॉयलैंड अपने फॉर्म को कंटिन्यू रखे हैं, यही गेम की पॉजिटिव है और कोई पॉजिटिव नहीं गेम की। कोबी मेनो की परफॉर्मेंस पॉजिटिव है। और एक मैं पॉजिटिव यहाँ मैच से निकालना चाहूँगा रशफोर्ड के ऊपर। रशफोर्ड को हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं खुद क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन रशफोर्ड का आज ओवरऑल गेम मुझे बहुत सही लगा। रशफोर्ड जो है, उसको बॉल मिल रही थी, उसने चांस वो चांस क्रिएट कर रहा था, वो कुछ ना कुछ जो है ग्लिम्सेस आपको दिख रहे थे कि हाँ रशफोर्ड जो है कुछ करना चाह रहा है, वो चांस क्रिएट कर रहा है, या तो कुछ क्या कहते हैं वो शॉट ले रहा है, भले शॉट से वो जा रहा है लेकिन वो ड्रिबल करके कम से कम शॉट ले रहा है। लेकिन गर्नाचो तो वेस्टफुल था आज के मैच में, आई वुड से। सो बस मैच जीत गए, यही पॉजिटिव था।
और कोई पॉजिटिव की बात नहीं है, बहुत बेकार खेल के आए हम लोग। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप अपने ओपिनियन बताइए इस मैच के बारे में। थैंक यू।